नमस्कार दोस्त। तो मैं आज आपको एक्सेल में कैसे शीट बनाते हैं एंड कैसे हम उसको शीट बनाकर क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो तो आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि आपको ये शीट दिख रही है, जैसे हम एक्सेल खोलेंगे, हमने इसको शीट ऐसी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम इनकी सेल को काउंट करेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेल है, तो 6 सेलों को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 सेल को हम क्रिएट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कि कहाँ तक हमको बनानी है अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं। अब होम बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ही आज आप देखेंगे तो यहाँ ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ एक पूरा एक सेल बनना चाहिए जो खाली हो। देखिए, इनको सभी को सिलेक्ट करते हैं, होम बटन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देते हैं, जगह खाली हो जाती है। जैसे हम अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, फूटर सेंटर, ठीक है। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं देन क्लास, इसके बाद डिवीजन, देन पास या फाइल, ठीक है। ये हमारी शीट बन के तैयार। अगर हम चाहेंगे कि इसमें कोई कलर डालें तो इसको सिलेक्ट करते हैं, होम बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कलर है, जो उनसे भी हम कलर डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं। हम यहाँ येलो कलर डालते हैं। जैसे अब जैसे कि नीचे आए हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में भी कोई कलर डाल देते हैं। अच्छा, होम बटन पर जाके अगर हम अक्षर को मोटा करना चाहें तो ये बी बना हुआ है, कंट्रोल बी दबा दिए फिर तो ये बोल्ड हो जाएगा, और थोड़ा सा उसको तिरछा लिखना है, मतलब इटैलिक, तो आई पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर हम कलर डाल देते हैं कुछ ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ इसको क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे हम सीरियल नंबर डालते हैं कुछ भी, 1 2 3, या तो नीचे करते कर, एंटर प्रेस करते करते नीचे तक चले जाइए, या फिर तीनों को सिलेक्ट करिए, ये कॉर्नर पे आइए, जैसे ही प्लस का साइन देखे डबल क्लिक करके नीचे की ओर कर्सर को खींच लीजिए और खींच लीजिए, ये लग गया, ठीक है। इसको साइड में लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे हमने ये नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है, आदर्श नाम भी कुछ भी दे दिया, ठीक है। और क्लास नेम दे दिया हमने 1 5 4, कुछ भी हमने यहाँ लिख दिया। अब हम चाहते हैं इस जगह हमारा इसका कुल टोटल आए, तो फॉर्मूला क्या है इसका, या तो हम लिखते हैं बराबर SUM, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करिए, और जहाँ से हमको जोड़ना है उसको सिलेक्ट करिए। अब शिफ्ट को दबाइए और ड्रॉप डाउन बटन नीचे करिएगा, जितना सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ 0 दबाइए, मतलब कोष्टक लगा दीजिए, और फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, ये हमारा ऐड होके आ गया 19। अगर हम उसको इस तरीके से नहीं करना है, हमें दूसरा तरीका भी है इसका, जैसे लगाइए बराबर का निशान लगाइए, जिस सेल को जोड़ना है उसको सिलेक्ट करिए, प्लस का निशान लगाइए उसके नीचे, एक मिनट, प्लस का निशान लगाइए, दूसरा सेल पर क्लिक करिए, प्लस का निशान लगाइए, तीसरा प्लस का, चौथा प्लस का, छठवां, और प्लस के बाद एंटर दबा दीजिए, तो एक जोड़ने का तरीका होगा। अब हम चाहते हैं कि हमको 19 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा